ओम शांति। आज आपका 142वें दिन का ईश्वरीय वरदान और परमात्मा आज एक बहुत ही शक्तिशाली बात हमें बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें त्रिकालदर्शी होना है। परमात्मा ने बताया है हमारे अपने पिछले जन्मों के बारे में कि हमने कितने जन्म लिए, हम सतयुग में कब आए, हमने फिर कब से पाप करने शुरू किए। जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो हमें पता चलता है कि अब तो कलयुग का अंत का समय आ चुका है, तो अब हमें कैसे कर्म करने हैं, क्या संकल्प करने हैं, ताकि हम व्यर्थ संकल्पों से, बेकार के संकल्पों से, अपने ही आत्मा को अपवित्र बनाने वाले संकल्पों से बच जाएं। तो परमात्मा आज हमें त्रिकालदर्शी होने का फायदा बताते हैं और हम देखेंगे इस वरदान में कि कौन कौन सी एक दो बातें हैं जिनको हम त्रिकालदर्शी होकर के अपने आप को बिल्कुल ही शक्तिशाली बना सकते हैं। तो देखें आज बाबा कहते क्या इस वरदान में। बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्प वेस्ट थॉट्स और संस्कार मतलब आदतों, जो बेकार की व्यर्थ आदतें हैं, का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो जब हम अपने व्यर्थ संकल्पों को खत्म कर पाएंगे और सीखेंगे कैसे किया उसको, तभी तो जाकर के औरों की मदद कर पाएंगे। लेकिन बाबा सिर्फ वो नहीं चाहते हैं, बाबा चाहते हैं कि अपने ही नहीं हम औरों के भी व्यर्थ संकल्पों को हटाने में मदद करें ताकि आत्मा शांत हो जाए। तो देखें विस्तार में क्या कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्पों को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए परमात्मा ने कहा है कि हे बच्चे, तुम कई जन्म पहले जब तुम्हें मैंने इस धरती पर भेजा था, तुम देवी देवता धर्म की आत्मा थे, तुम पवित्र थे, तुम खुशहाल थे, तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ था तुम्हारे पास में, तुम सोने के महल में जिसको हम द्वारका कहते हैं, यादगार रहेगी सिर्फ, उसमें रहा करते थे, तुम याद करो उन दिनों को। तो अब आगे हैं कलयुग के अंत में, कितने जन्म ले लिए हमने, 84 जन्म का चक्र काट करके हम अंत के जन्म में आ गए हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर लोभ आता है या किसी को देख करके ईर्ष्या होती है, तो उस समय उन बातों को याद करो कि तुम क्या थे, क्या जीवन जी के आए हो तुम। महलों में रहते थे, बहुत अमीर थे, सुंदर काया थी तुम्हारी, और तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम राजधानी में थे, अपने राज्य में थे, तो तुम्हें किसी के साथ में कभी ईर्ष्या, घृणा, नफरत या किसी के साथ में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होगी। तुम अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओगे और ये जो आखिरी जन्म है, ये शरीर जो मिला हुआ है, उसमें रह करके मुझे याद करोगे, तपस्या करोगे। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने की कोई इच्छा नहीं रहेगी तुम्हें। लेकिन जब तुम भूल जाते हो अपने पिछले जन्मों को और कलयुग का अंत आने वाला है उसको भूल जाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में व्यर्थ अहंकार के संकल्प आते हैं, लोभ के संकल्प उत्पन्न होते हैं, तुम फिर से दुनिया में पढ़ने शुरू होते हैं, दुनियावी तरीकों में जाने शुरू होते हैं और फिर दुखी होना शुरू होते हो, फिर तुम्हारे अंदर वे संकल्प, फिर तुम फिर से आलस्य करना शुरू और फिर से तुम थकना शुरू होते हो। तो परमात्मा कहते हैं, तुम्हें संतुष्टता यही सोच करके मिलेगी, त्रिकालदर्शी होकर के, कि क्या था मैं पिछले जन्मों में, क्या करना है मुझे और कितना समय बाकी बचा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें याद आएंगी। फिर परमात्मा कहते हैं एक और चीज, कि जब तुम देखते हो अपने शरीर को, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही इस शरीर के द्वारा दुख पा रहे हो। परमात्मा कहते हैं कि याद करो कि तुम्हारा ये कितना पुराना शरीर हो चुका है और कितने जन्मों के बाद तुम्हें ये शरीर मिला है, 84 जन्म या जो भी जन्म तुमने लिए हैं। सबसे पहले जन्म तो बहुत सुंदर शरीर था, क्यों? सतयुग था, 5 तत्व वहां पे बहुत पवित्र हुआ करते थे। अब दुनिया सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, मतलब ये चक्र अंत में आ चुका है। अगर अब तुम चाहोगे कि मेरा शरीर बिल्कुल 100% बिल्कुल हेल्दी हो जाए, तो वो इच्छा रखना भी अपने आप को दुख देना है। और व्यर्थ संकल्प, तुम अपनी खूबसूरती को देख करके किसी से ईर्ष्या करो या घृणा करो, वो भी ठीक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, त्रिकालदर्शी हो जाओ और अपने आप को इन बातों से भी हल्का कर दो, इच्छाएं रखना कम कर दो, और जैसा शरीर मिला है उस शरीर से खुश रहो, परमात्मा की देन है। अब इसके अंदर रह करके तुम अपने आप को और स्वस्थ कैसे बनाओ, स्वस्थ बनाने का एक ही तरीका है, योग के द्वारा। मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा। तो जितनी जिंदगी पड़ी है, योग करो, मन को स्वस्थ रखो। फिर परमात्मा ने कहा है, तुम्हें अगर अकेलापन महसूस होता है, तुम्हें लगता कोई प्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हें कोई ध्यान नहीं देता, तो याद करो कि तुम कितने अमीर थे, कितने अच्छे दिखने वाले थे, और तुम एक राजधानी में थे जहां पर सब लोग तुम्हें प्यार करते थे। वो प्यार कैसे पाया तुमने? तुमने अभी बहुत आत्माओं की सेवा करी, उनसे दुआएं कमाई, और वही आत्माएं फिर सत्युग में तुम्हारे साथ पैदा हुई
और वहां पर तुम्हें बहुत प्यार दिया, तो अभी वो समय आ चुका है कि तुम फिर से आत्माओं की सेवा करो। केवल अपना ही स्वार्थ के कारण अपना ही देखना, अपना ही सोचना, अपने लिए ही करना, लोभ में फंसे रहना, अहंकार में फंसे रहना, उन चीजों को छोड़ो और आत्माओं की सेवा करो ताकि तुम्हें अकेलापन ना महसूस हो। यहाँ जितनी आत्माओं की सेवा करोगे वो आत्माएं शीतल होंगी, शांत होगी, परमात्मा से जुड़ेंगी और तुम्हें एक नया परिवार फिर से मिलेगा। और कलयुगी परिवार जो है, जो कि दुख देने वाला परिवार है, उससे तुम्हारी इच्छाएं कम हो जाएंगी। तो त्रिकालदर्शी होकर के सही कर्म करो, सेवा करो। तो परमात्मा ने फिर आगे क्या बताया, देखें तो बाबा कहते हैं, इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, यही जो हमने बात करी, समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। संपूर्ण स्टेज मतलब मैं अपने आप को भूल करके औरों का ख्याल करना, औरों की मदद करना, औरों को परमात्मा से जोड़ना ताकि वह भी शांत हो पाए, सुखी हो पाए, तो वातावरण भी सुखी और शांत। तो अगर मैंने औरों की सेवा करी तो ऑटोमेटिकली मुझे जो चाहिए सुख और शांति वो मिलेगा ही। लेकिन केवल मुझे सुख शांति मिले और मैं औरों को ब्लेम करते रहूं, तुम्हारे कारण मेरा जीवन ऐसा, उसके कारण मेरा मन में शांति नहीं, वो ऐसा बन जाए, वो ऐसा परिवर्तन कर ले तो मैं सुखी हो जाऊं, शांत हो जाऊं, ये बदल जाए, ये आगे बढ़ जाए तो मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए, ये सब कुछ करना मतलब परचिंतन प्रदर्शन करना, ये व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है कि केवल मेरे ही व्यर्थ संकल्प और वो सब कुछ भस्म हो जाए, पाप भस्म हो जाए, मैं ही तपस्या करूं और वो क्या लेना देना, और वो ज्ञान मिले ना मिले, और परमात्मा से जुड़े ना जुड़े, मुझे क्या लेना देना उससे, ऐसा नहीं सोचना है। परमात्मा कहते हैं, चाहे, जैसे हमने कल बात करी, चाहे वो आपको गाली दे, चाहे वो आपका मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन आपको परमात्मा का सत्य ज्ञान देना है। क्योंकि जब कलयुग का अंत आएगा तो उस समय जब त्राही त्राही होगी, चारों तरफ हाहाकार होगी, उस समय वो याद करेंगे कि आपने उनको कुछ बताने की कोशिश करी थी कि परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं उस समय, तो उस समय उनको पश्चाताप होगा। लेकिन अगर आपने उनको बताया नहीं, क्या सोच करके, अरे वो मेरे रिलेटिव से मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त है, मेरे साथी, वो क्या सोचेंगे, ये कौन होता है हमें सुनाने वाला। आपने अगर उस चीज को छोड़ दिया और उनको नहीं सुनाया और अपने ही खुश रहे, अपने साथ ही कि मेरे को परमात्मा का ज्ञान मिला तो मैं खुश रहूं, वो सब अपना अपना देखें, अगर ऐसा सोचा तो आपको उनकी बद्दुआएं मिलेंगी कि पता होते भी आपने क्यों नहीं बताया। तो सोचिए परमात्मा का प्यार या उनकी बद्दुआएं, क्या चाहिए आपको। फिर बाबा कहते हैं, तो अपने वीर संकल्प विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, मतलब सेवा करो, औरों को बताओ ये तरीके, औरों को भी परमात्मा से जोड़ करके उनके पिछले जन्मों के राज के खुलासे को सिखाओ उनको। तो जब वो ब्रह्म कुमारी जाकर के सीखें कि वो पिछले जन्म में क्या क्या थे और ये दुनिया कैसे परिवर्तन होने वाली है, बदलने वाली है, तो उनको भी अंदर से आत्मबल, आत्म भरोसा और वो आत्मनिर्भर हो पाएंगे कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, किसी से प्रेम की जरूरत नहीं, किसी के सुख की जरूरत नहीं, किसी से मुझे नाम मान शान की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया मैं पिछले जन्म में कितनी ऊंच आत्मा थी, तो मेरे को वो फिर से बनना है, मुझे किसी से लेना नहीं, मुझे देना है, लोगों को ज्ञान बांटना है, देना मतलब ज्ञान बांटना, धन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ज्ञान धन बांटना है मुझे आत्माओं को, ताकि वो आत्माएं सुखी रहे और शांत रहे, और सारे जीवन में वो बस दुआएं ही देते रहे सबको, और मुझे भी दुआएं मिले सबसे, ताकि दुआएं ही दवा का काम करेंगी। तो परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो आप भी विश्व कल्याणकारी बने, कैसे बनना है, केवल अपना सेल्फिश नहीं कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए औरों को ना हो। परमात्मा हमें यह ज्ञान सिखाते हैं कि कैसे हम भी ठीक हों और औरों को भी हम ठीक कर पाएं मन बुद्धि संस्कार के द्वारा। तो आज का ये वरदान, आप सुखी रहें, संतुष्ट रहें, घर में सेफ रहें। ओम शांति।